जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है आपको बताना है जो भारत और श्रीलंका है उसके बीच में कौन सा द्वीप स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामेश्वरम आपको बता दें दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले का एक द्वीपीय कस्बा है जो भारत के मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होता है रामेश्वरम जो कि दोस्तों नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर स्थित है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सिया चीन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मैक्सिमम बार ये भी रिपीट हुआ है आपको बताना है जो सिया चीन है वह इनमें से क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र बता दें कि जो सियाचिन है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता वर्ष उन्नीस में हुआ था अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है आपको बताना है इनमें से भारत का है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी स्रिया चीन। स्रिया चीन जो कि ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत का काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर है इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो छिहत्तर दशमलव किलोमीटर है और पिंडारी हिमनद की लंबाई लगभग तीन किमी और गंगोत्री हिमनद की लंबाई 26 किलोमीटर है अगला क्वेश्चन देख ले दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है आपको बताना इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो सबसे लंबी भारत के साथ जुड़ी हुई है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है तथा सबसे छोटी की बात करें दोस्तों तो यह भूटान के साथ है कितना है तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों चार किलोमीटर और इसी के साथ सबसे छोटा अगर बात कर सर दोस्तों तो यह भूटान है जो कि छ सौ निन्यानवे छः सौ निन्यानवे किलोमीटर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है आपको बताना है जो भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा के साथ सर्वाधिक लंबी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान आपको बताया दोस्तों कि राजस्थान भारत का पश्चिमी राज्य है और इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है और राजस्थान की पश्चिमी सीमा का लगभग एक किलोमीटर लंबा भाग पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है अगला क्वेश्चन करें पांच सौ क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन दो हजार बाईस के लिए स्पेशल किया गया है कंप्लीट पांच क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन दोस्तों जीके जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं अप्रोक्सिमेटली दस नंबर के आपके पूछे जाते हैं तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे ये दोनों -बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साइंस का दोस्तों इसके लिए एक हजार एक क्वेश्चन जो जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा बस फटाफट लेके आपको रिविजन स्टार्ट करना है दोस्तों इन सभी ई के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा तो पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं आपको बताना है जो पाकिस्तान है उसकी सीमाओं से लगने वाले भारतीय राज्य कौन-कौन से हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको बताया दोस्तों कि पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात राजस्थान जम्मू कश्मीर पंजाब उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर था और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है अगला क्वेश्चन देखते हैं डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताएं जो डूरंड लाइन रेखा है वह किन दे देशों के बीच स्थित सीमा रेखा है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी भार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको बताएं दोस्तों कि डूरंड लाइन का निर्धारण स्वतंत्रता के पूर्व सर डूरंड के निर्देशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था और विभाजन के बाद यह रेखा भारत के तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपको बताएं जो भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह कहलाती थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रेड क्लिप रेखा आपको बता दें कि भारत पाक विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेड क्लिप रेखा कहा जाता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी है आपको बताना है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था वह किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सर सीरील रेडक्लिप आपको मैंने बताया दोस्तों कि भारत पाक विभाजन के समय जो सीमा खींची गई थी उसका नाम रेडक्लिप रेखा था इस सीमा का रेखा का निर्धारण सर सीरील रेडक्लिफ द्वारा किया गया था अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैक्स क्वेश्चन रिपीट होता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मैकमोहन रेखा आपको बता दें कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है दोस्तों आपको बताना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है आपको बताना है जो अरब सागर में स्थित है भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वह सभी प्रवाल उद्गम के हैं बता दें कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि ये सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं अर्थात प्रवाल उद्गम के हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रीडले टरटल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है चार ऑप्शन है आपके पास बताना है हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये कि जो टर्टल ओलिव रिडले टर्टल कछुए हैं उनका विश्राम स्थल के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध हो गया है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा आपको बताया दोस्तों कि उड़ीसा राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं और इसी कारण कभी कभी चांदीपुर प्रक्षेपल स्थल पर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है आपको बताना है जो समुद्र तट है भारत की उसकी लंबाई लगभग कितनी है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 7500 किलोमीटर बता दें कि भारत के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6,100 हज़ार एक सौ किलोमीटर है और द्वीपों को मिलाकर भारतीय तटरेखा की लंबाई सात हजार सौ सोलह दशमलव किलोमीटर है और भारत की स्थली सीमा की लंबाई की बात करें दोस्तों तो पंद्रह हजार एक सौ दशमलव सात किलोमीटर है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है आप बताएं जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वह किस नाम से जाना जाता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको बता दें कि भारत का दक्षिण पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताएं जो भारत वर्ष है उसकी जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 12 नॉटिकल मिल बता दें कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन का कार्य भारत में समुद्री विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है बात करें दोस्तों क्षेत्रीय जल क्षेत्र की तो मैंने बताया कि 12 नॉटिकल मिल है और संलग्न क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो 24 नॉटिकल मिल है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 200 नॉटिकल नोटिकल मिल है इसी तरह महाद्वीप जल सीमा भी 200 नॉटिकल मिल है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कच्छ का भू है आपको बताना है जो कच्छ है उसका भू दृश्य इनमें से राइट इन आंसर क्या है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी निम्नस्थ समतल तथा बालुका में मैदान बता दे जो कच्छ का रन है वह गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है और लवड़ीय निम्न भूमि में यह प्रदेश ग्रीष्मकालीन मानसून के समय लवड़ीय परतों और कीचड़ से ढका रहता है उसके पूर्वी भाग पर थार का मरुस्थल स्थित है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपको बताएं जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है वह कहाँ पर मिलते हैं राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नीलगिरी पहाड़ी बता दें कि पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट में मिल जाता है और पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा व लंबा है और उत्तर पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं? आपको बताएं जो गारो और खासी पहाड़ियां हैं वह किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्वी घाट आपको बता दें कि मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है और इस पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ गारो खासी और जैंतियाँ हैं और ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपी भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों मड आइलैंड का निकटतम शहर है जो मडाईलैंड है उसका निकटतम शहर कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई बता दें कि मड आइलैंड मुंबई के उत्तर तट पर स्थित है और यहाँ पर मड फोर्ड बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों पोर्ट ब्लेयर स्थित है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है मैक्सिमम बार पूछ लेता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है वह कहाँ पर स्थित है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो कि संघ शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह है जो अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी म्यांमार आपको बता दें दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह छः डिग्री चौदह डिग्री उत्तरी अक्षांश और बानबे डिग्री से चौरानबे डिग्री चौरानबे डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस प्रकार अगर हम देखेंगे इसकी दूरी की तो चेन्नई की तो दूरी देख लेते हैं तो ग्यारह सौ नब्बे किलोमीटर है विशाखापट्टनम से हम देखेंगे दोस्तों तो यह बारह सौ के लगभग है इसी तरह म्यांमार से देख लेंगे तो पैंतीस किलोमीटर म्यांमार इसके नज़दीक में है इसी तरह इंडोनेशिया में देखेंगे तो एक किलोमीटर है तो सबसे निकट कौन है तो म्यांमार है कितना है तो पैंतीस किलोमीटर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम पूछ लेता है आपको बताना इनमें से कौन सी जगह सबसे पूर्व में स्थित है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुखिया आपको बता दें कि सुखिया असम का सबसे पूर्वी जिला है और दिए गए स्थानों का पूर्व से पश्चिम क्रम अगर हम देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले आ जाता है फिर डिब्रूगढ़ हो जाता है उसके बाद जोरहट आता है इसके बाद दीमापुर फिर ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है जो कि ईटानगर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कोंकड़ तट किसके बीच फैला हुआ है आपको बताएं जो कोंकण तट है वह इनमें से किसके बीच फैला हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा और दमन आपको बता दें कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले से बंगलुरु तक विस्तृत है और इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है और गोवा से कुमारी अंतरीप तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बताना है जो भारतीय पर्वत भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है राइट right आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कंचनजंगा आपको बता दें कि भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई आठ मीटर है अगर हम बात करें दोस्तों भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर के K2 गोडिन आस्टिन है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है किंतु K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है तथा यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है और विकल्प के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो इसका न होने के कारण जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है तो है कंचनजंगा अगला क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वह है आपको बताएं जो कुल्लू घाटी है वह किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धौलाधर तथा पीर पंजाल आपको बता दें कि कुल्लू घाटी हिमालय हिमाचल प्रदेश में धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो दोस्तों पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत